रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 4 का अगला लेसन पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है सिंध। इससे पहले आपने बलूचिस्तान के बारे में पढ़ा था। सिंध इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ लोकेटेड It is located in the southeast of Pakistan with Punjab to its north, Balochistan to its west and India to its east. The Arabian Sea lies to the south of Sindh. Arabian Sea जो सुबह सिंध की सबसे अहम बात है वो ये है कि ये कोस्टल एरियाज के साथ अटैच है और ये अरेबियन सी जो है वो इसके साउथ में है। कराची इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ सिंध। कराची इसका कैपिटल भी है और बड़ा शहर भी है। इट इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ द सिंध एंड इट्स द मेन कमर्शियल सेंटर ऑफ नॉट ओनली द प्रोविंस बट आल्सो ऑफ द होल कंट्री। कराची इस सुबह सिंध का सबसे बड़ा और तिजारती शहर है। ये सिर्फ सुबह सिंध का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी एक अहम कमर्शियल शहर है। यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत ऑफिस हैं, बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स के हेड ऑफिस हैं वो सारे कराची में हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट इज़ अ पार्ट सिटी एंड आल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड इट्स कैरिड ऑन विद मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द पोर्ट। इस प्रोविंस की सबसे अहम बात जो है वो ये है कि यहाँ पे पोर्ट है, सी पोर्ट है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ तिजारत करता है। सारी तिजारत जो है वो इस पोर्ट के ज़रिए होती है। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन द प्रोविंस और हैदराबाद, सखर, लाड़काना एंड मीरपुर खास। सुबह सिंध के जो है दूसरे अहम शहर हैं वो हैदराबाद, सखर, लाड़काना और मीरपुर खास हैं। द क्लाइमेट ऑफ सिंध इज़ हॉट, ये हॉट होती है गर्मियों में और कोल्ड होती है सर्दियों में। द कोस्टल एरियाज आर वेरी ह्यूमिड इन समर। और जो इसके कोस्टल एरियाज होते हैं जो कि समंदर के नज़दीक होते हैं वहाँ पे समंदरी हवाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। सो सिंध इज़ फेमस फॉर इट्स मैंगोज, डेट्स, बनानास, गोवाज एंड ऑरेंज। सिंध में ये सारे फ्रूट्स होते हैं। इट आल्सो प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड शुगर केन, श्रिम्प एंड प्रॉन एंड फिश आर कॉट इन द सी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि इसमें इस प्रोविंस में सी पोर्ट्स हैं, इस वजह से यहाँ पे फिश की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, मछलियाँ बहुत हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में भेजी जाती हैं। द पॉपुलर साइट्स, अब हम पढ़ेंगे पॉपुलर साइट्स। पॉपुलर साइट्स ऑफ सिंध आर मंजदारो, किथर, कोटरी बिराज, रानी कोट, किथर नेशनल पार्क एंड कायदे आज़म टॉम। और सबसे अहम बात ये कि ये तो इसके इम्पोर्टेंट साइट्स हैं और कायदे आज़म की जो आखिरी आरामगाह है, जो कायदे आज़म का मकबरा है, वो भी इस प्रोविंस के अंदर है। और लोग जहाँ पे जाते हैं ख़ास तौर पे समंदर की सैर करते हैं और कायदे आज़म के मकबरे पे ज़रूर जाते हैं और सलामी देते हैं। फिर फिज़िकल फ़ीचर्स ऑफ सिंध, अब हम पढ़ेंगे सिंध के फ़िज़िकल फ़ीचर्स, यानी सिंध का जो एरिया है, कहाँ पे माउंटेनियस है, कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे डेजर्ट्स हैं। सिंध के जो अहम जो चीज़ है वो इसके डेजर्ट्स भी हैं। सिंध इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पैरेलल बेल्ट्स विद द किथर रेंज टू द वेस्ट, द थर्ड डेजर्ट टू द ईस्ट एंड द फर्टाइल प्लेन्स इन द सेंटर ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर के साथ सिंध की फर्टाइल लैंड है जहाँ पे खेत होते हैं, जहाँ पे राइस, वीट वगैरह उगाए जाते हैं। द किथर रेंज इज़ अ बैरन हिली वैली, हिली एरिया। जो किथर रेंज है वो एक बंजर एरिया है, पहाड़ी एरिया है। द थर्ड डेजर्ट इज़ अ ड्राई बैरन एरिया बट हैज़ अ ब्यूटी ऑफ इट्स ओन। थर जो है वो इसका ड्राई डेजर्ट एरिया तो है लेकिन इसकी अपनी ही खूबसूरती है। देयर आर मैनी लेक्स इन सिंध। सिंध की सबसे अहम और अच्छी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे लेक्स भी हैं जो कि बहुत फेमस हैं। वन आर किंजर, मंचर एंड होलेजे। सिंध हैज़ आर 20 to 50 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन।
सिंध की जो कोस्ट लाइन है वो 250 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है. द इंडस रिवर फ्लोज इन टू द अरेबियन सी इन द साउथ ऑफ द सिंध. इंडस रिवर विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान इज आल्सो फ्लो इन दिस प्रोविंस. बच्चों आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी और आपने इसकी एटलीस्ट 3 times रीडिंग करनी है और उसके बाद इस प्रोविंस की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने लिखनी है, ठीक है. और आपका होमवर्क ये है कि आपने अपनी नोटबुक पे सिंध के बारे में राइट 5 lines अबाउट सिंध. ये आप तभी करेंगे जब आप इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे. सबसे पहले लोकेटेड क्या, कहाँ पे लोकेटेड है, इसका कैपिटल कौन सा है, इसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन सी हैं, इसकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और इसके डेजर्ट्स कौन से हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. अब आपने इसको रीड करना है. रीड करने के बाद आपने अपनी नोटबुक पर ये होमवर्क करना है. थैंक यू सो मच.